आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी कंटेम्प्ट की, और उसमें मुझे नोटिस आया था, मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब को, मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, हम सब कोर्ट के हुक्म पे हाज़िर हुए। और उसमें दो इश्यूज़ डिस्कस, इशू एक था जो गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नाले के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे उनके बारे में थी बात, और हमने सबसे पहले तो कोर्ट को यकीन दिलाया कि हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी नीयत से इस मसले को हल करने के लिए पहले दिन से कोशा है। हम तो कम से कम हमारी पार्टी का ये नस्बुल है कि लोगों को डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए, और आपको पता है ये मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि मुझे अपनी लीडरशिप से कभी नाराज़गी होती तो इसी बात पर होती कि लोगों के घर से छत ना छीने, लेकिन ये कई वजूहत थी, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, कि ये तीन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हटानी पड़ी। हुकूमत ने सिंसियरली काम किया, 6,932 लोग आइडेंटिफाई किए, यानी फैमिलीज़ या हाउस होल्ड आइडेंटिफाई किए हमने वफाक के साथ मिलके। उस वक्त वफाक ने तो सारा जिम्मा खुद ले लिया था, कहा था हम 36 अरब रुपए की उन्होंने स्कीम बनाई, और ये मैंने कोर्ट को सारा बताया, और कहा कि जी हम जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनको फ्लैट्स बना के देंगे, और उसमें उन्होंने ECC में 36 अरब रुपये की स्कीम भी अप्रूव की, लेकिन बाद में वो खुद ही एज़ यूजुअल यू टर्न लिया, और मैंने ये कोर्ट को भी बताया कि यू टर्न लिया उन्होंने और कहा हम नहीं करते, अब हुकूमत सिंध करे। और एक साल बाद, एक साल पहले वफाक ने करना था, एक साल बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया कि सिंध हुकूमत ने करना है। इमीडिएटली हमने स्कीम बनाई, 9.8 अरब रुपये की जहाँ तक मुझे याद है, 1 अरब रुपये उसके लिए मुख्तस किए, कंसल्टेंट्स हायर किए, और हमने उसका काम शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से जो 2022 के आए थे, हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत थी, इसको देखते हुए दो हमें हमने कहा था कोर्ट को कि हम अपने पैसों से करेंगे, लेकिन हमारे पैसे, मैंने आइन का आर्टिकल 118 पढ़ के सुनाया उधर के, जी पैसे ये नहीं होते कि मेरे को अपनी जेब से हुकूमत देती है, निकालती है, हुकूमत जो भी पैसे रिसीव करती है वो उसके पैसे होते हैं। और जो बहरिया टाउन के 462 अरब रिपोर्टेडली पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे हिसाब से इस सिंध के लोगों के पैसे हैं। तो हमने कोर्ट को ये कहा कि हमने उनको भी कहा है वो है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक वो ब्लू रिबन कमीशन बननी थी 2020 से, वो आज तक नहीं बनी, 3 साल हो गए ब्लू रिबन कमीशन जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बनानी थी। हमारी तरफ से भी थोड़े बहुत लैप्सेस हुए, और मैं उसका हमने किया है, हमें एक रिपोर्ट जमा करानी थी मंथली, हम काम सारा करते रहे लेकिन वो मंथली रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी, उसके लिए हमने माजरत भी की कोर्ट से, और कोर्ट ने उस माजरत को एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, तो अभी तक है मेरी हाज़िरी को जो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है कोर्ट में आने से दोबारा, जब तक वो दोबारा ना बुलाएं मैं जब बुलाएंगे आ जाऊंगा। दूसरा इशू तो हमने एक तो उनको 15,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे देने थे, दो ट्रांचेस दी जा चुकी हैं, किन किन लोगों ने तो चारों ट्रांचेस ले लिए हैं, जो रह गए हैं वो हमने यकीन दिलाया है कि हम एक महीने के अंदर, वो पैसे भी हमें वफाक से आने थे और उसमें भी 1 अरब बाकी है, तो 2.5 अरब के करीब बनते हैं टोटल पैसे, 1.4 कुछ अरब आगे हैं, 1 अरब या उससे थोड़ा ज़्यादा बाकी है जो अभी नहीं आया। हमने कहा है कि जी हम ब्रिज फाइनेंस कर देंगे और NDMA को लिख देंगे, और ये चेक हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्प्लेस लोग जो हैं वो अपने रेंटल चेक ले सकें। जो घर बनाने की बात है, हमने दो ऑप्शंस कोर्ट के सामने पेश किए, जो कोर्ट ने जो अफेक्टिव थे उनके वकला को दिए। एक ऑप्शन ये था कि हम एक प्लॉट दे दें 80 गज़ का और कंस्ट्रक्शन के पैसे दे दें, वो खुद बनाए अपना घर। उसमें हमने खुद बताया कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम अलॉट तो कर देते हैं, लेकिन कराची के ज़मीनों पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ज़मीनों पे ये मसले लिटिगेशन के होते हैं, तो ये नहीं कि उस शख्स को अपना ना मिले प्लॉट, तो हम प्लॉट के पैसे, दूसरा ऑप्शन थे प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के पैसे, हम दोनों देने के लिए तैयार हैं ताकि ये लोग अपने घर बना सकें या घर जिन्होंने बना लिए उनको बेहतर कर सकें। तो कोर्ट ने ये दोनों ऑप्शंस अफेक्टिव के वकला को दिए कि वो अफेक्टिव से पता करके इसका जवाब ले लें। तो ये मोटी मोटी बात थी। आखिर में मैंने कोर्ट से इस्तदा की कि जी 462 अरब रुपए सिंध के लोगों को,
सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने टी बिल्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और टी बिल्स आपको पता है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा लॉस लिया होगा इस पर। जब मार्क टू मार्केट करते ना, मतलब अब वो ज़्यादा फाइनेंस टर्म्स में आ जाऊँगा, तो मेरी इस्तदा ये थी कि आप चीफ जस्टिस साहब तक ये बात पहुँचाएँ कि वो ब्लू रिबन कमीशन बना दें जो 3 साल से नहीं बनी है, ताकि ये पैसे अकाउंट में ना पड़े रहें, ये पैसे खर्च हों सिंध के लोगों पे। हमने पिछले साल 2 स्कीम्स ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच को भेजी थी। एक स्कीम थी ये फ्लड से पहले 2021 में भेजी थी हमने, एक यही कि 10 अरब रुपए हमें दें ताकि इन लोगों को बसाया जा सके और पैसों की कंस्ट्रेंट ना हो। दूसरी स्कीम थी कि हमें लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन के लिए 10 अरब रुपए दें, और अगर वो पैसे उस वक्त मिल जाते तो फ्लड्स में आपको पता है ब्रीच कई जगह से एलपीओडी हुआ था, तो शायद कुछ बेहतरी आती। इसलिए कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसमें कोई इतराज़ नहीं। इसमें कभी भी हमने जो पहला ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें ये उन्होंने नहीं कहा था कि आप इम्प्लीमेंटेशन बेंच से पैसे ले नहीं सकते। जो वकील थे दूसरी तरफ के, वो कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उनको जब अंग्रेज़ी पढ़ी तो उसमें साफ लिखा है कि जी वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का आप अलग से काम करते हैं, लेकिन आपने पैसे अवेलेबल करने हैं और हम वही कर रहे हैं। तो हमने कोर्ट के सारे अहकाम पे काम किए हैं। एक जो कोताही हुई है कि हमने मंथली रिपोर्ट्स नहीं दी हैं, उस पर हमने माजरत भी की है कोर्ट से, और अभी हम इंशाल्लाह वो रिपोर्ट्स देते रहेंगे। एक आदमी यार मुर्तजा जी, मैंने बता दिया ना उसका, मैंने बता दिया, आई हैव ऑलरेडी सेड इट, यू नो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आई हैव ऑलरेडी सेड इट क्वाइट। बिल्कुल जी, नहीं नहीं नहीं, देखिए अब मुतमईन किया नहीं किया अदालत से पूछे, अदालत का ऑर्डर आ गया, मेरी बात सुने, अदालत का ऑर्डर आ गया, अदालत ने अप्रिशिएट किया है जो सारे स्टेप्स लिए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, मेरी पूरी बात सुन लें, अदालत ने अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा कंटेम्प्ट अभी पड़ी है, ये अभी फाइनल क्लोज नहीं हुआ। मैं हाजिर हूँ जी कोर्ट के लिए, कोई इसमें अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता इस पर। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जुलाई 2021 में किया, हम दोबारा एक अर्जेंट एप्लीकेशन, हमें कोर्ट ने कहा है कि आप अर्जेंट एप्लीकेशन डालें, हम कर रहे हैं। आप थैंक यू, ये बताएं कि ये जितने भी मुताबिक हो रही थी, इनके लिए जो मैंने सुना है, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन एक मैं आपको बता दूं, दूसरा ये कि ये इंक्रोचमेंट जो बाकी अजला में भी थे उनको हटाया गया था, उनकी मुआवजे का क्या होगा? अच्छा मेरी बात सुने, ये एक तो कोर्ट के, लेकिन हमारी सिंध हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट किसी के घर से छत नहीं छीनना चाहती, चाहे वो और जगह पे भी है ना। हमने सखर में भी जो डिस्प्लेस लोग थे उनको जगह दी है, ठीक है, कराची में भी दे रहे हैं, इस वक्त फ्लड्स में जो लोगों के घर तबाह हैं उनको भी, हम कभी भी किसी के घर से छत नहीं छीनना चाहते। इसमें चाहे वो इंक्रोचर सही को इंक्रोचमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के घर से छत छीनना उसमें हमारे अपने व्यूज हैं पार्टी के। सीएम साहब ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन, जिनकी वजह से डिले हुआ, जिनकी वजह से डिले हुआ, आप नहीं समझते उनको भी डिले हुआ नहीं है? अच्छा मैं आप बताता हूँ ना, मेरी बात वो यार होना चाहिए अदालत में, वो उनकी मर्जी ना। देखिए कोर्ट के लिए मैं नहीं कह सकता, मैंने कोर्ट से कहा था कि अगर आप वो कागजात पढ़ लें तो शुरू के कागजात में हैं, जब प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने के आए थे, उन्होंने 1.1 ट्रिलियन का पैकेज दिया और उन्होंने कहा कि इन सब डिस्प्लेसीज के लिए हम नेशनल पतनी हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से घर बना के देंगे। एक साल तक वो कहते रहे और एक साल बाद वो मिनट्स मौजूद हैं उनके, एक वफाकी वजीर मीटिंग में कहते हैं घर तो हम बनाएंगे, फ्री नहीं देंगे, ये हमने कब का फ्री देंगे, तो ये मिनट्स मौजूद है, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन उनके यू टर्न तो मशहूर है।